आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भूकंप की तैयारी कैसे रखनी चाहिए, खास करके यदि आप भूकंप क्षेत्र वाले एरिया में रहते हों तो। देखिए, यदि आप भूकंप के खतरे वाले क्षेत्र में रहते हैं तो पहले से बनाई गई आपात योजना आपकी सहायता कर सकती है। परिवार के सभी सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से गैस, पानी और विद्युत के मुख्य तंत्रों को बंद किया जाता है। परिवार में आपातकालीन स्थिति की रिहर्सल कराना चाहिए। सुरक्षा किट का संयोजन मैं आपको बता देता हूँ। लंबे समय तक खराब न होने वाली खाद्य सामग्री का भंडारण हमेशा रहना चाहिए। पानी की आपूर्ति रहनी चाहिए, भर के रखा करो। प्राथमिक उपचार किट और दिग्दर्शिका होनी चाहिए आपके पास। आग बुझाने वाले उपकरण भी आपके घर में रहने चाहिए। कंबल बहुत कंपलसरी है। सीलबंद प्लास्टिक बैग होना चाहिए आपके पास। नई बैटरी और बल्ब के साथ टॉर्च आपके पास रहना चाहिए। आपातकालीन दवाएं, अतिरिक्त चश्मे, स्क्रू ड्राइवर, चिमटी, तार, चाकू, खम्बे, ये सब आपको रेडी रखना चाहिए हमेशा कभी भी। पौधों पर पानी छिड़कने वाली छोटी रबड़ की नली होनी चाहिए। टिश्यू पेपर, स्त्रीयोचित सामान जो औरतें इस्तेमाल करती हैं। यदि भूकंप के दौरान आप अपने परिवार से अलग हो गए तो परिवार के पास वापस जाने की योजना बनाएं। आकस्मिक टेलीफोन नंबरों को याद रखें, जैसे डॉक्टर हो गए, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस एटसेट्रा हो गया। भारी वस्तुओं को दीवार से मजबूती से बांधें या सटाए रखें, जैसे बुककेश हो गया, दर्पण हो गया, अलमारी इत्यादि हो गया। बिस्तर के ऊपरी भारी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। भारी वस्तुएं परिवार के सबसे छोटे सदस्यों की लंबाई से भी कम ऊंचाई पर रखें। तो ये तैयारी आपको रखना पड़ेगा यदि आप भूकंप वाले क्षेत्र में रहते हैं तो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।